जय गो माता जय गोपाल। मकर संक्रांति के जो सवेरे की प्रसादी तो रात गौ भक्तों की तरफ से थी, जो सवेरे गौ माता को प्रसाद दिया और आज शाम के लिए प्रसादी तैयार हो रही है। आप देख सकते हो तिल है, बाजरी है, तेल है, गुड़ है, सभी मिश्रण करके बनाई जा रही है और आप देख सकते हो कितनी सुंदर लापसी बन के तैयार हुई है। और आज इस लापसी के लाभार्थी है गो भक्त निंबावत वैष्णव परिवार, श्रीमान बालूदास जी वैष्णव, सुपुत्र श्री बंसीदास जी वैष्णव, विजय एम वैष्णव सुपुत्र मंगलदास जी वैष्णव, गांव माड़ा पाली राजस्थान, हाल बेंगलुरु। बहुत बहुत धन्यवाद गौ भक्तों ने। पहले उनके परिवार में एक जन्मदिन पर यूट्यूब के लाइव के माध्यम से लापसी दिया था और मकर संक्रांति के लिए गौ भक्तों ने पर्सनल अपने तरफ से गौ माता के लिए मकर संक्रांति के शाम को गौ माता को प्रसाद दिया, जो तिल है, तिल डाले गए है और सरसों का तेल डाला गया है, गेहूँ है, बाजरी है, गुड़ है, एक कटा, सभी मिश्रण करके और सभी गौ भक्तों की उपस्थिति में बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव परिवार को। गौ माता से प्रार्थना करते हैं जो अन्न धन का आपके भंडार भरा रहे। गौ माता से यही प्रार्थना करते हैं गौ माता आप सभी गौ भक्तों के अन्न धन का भंडार भरा रखे और जितने भी गौ भक्त मकर संक्रांति के लिए प्रसादी में भाग लिया है उन सभी गौ भक्तों की तरफ से जितने दिन 5 दिन 10 दिन जब भी गौ माता के लिए प्रसादी बनेगी आपको पुण्य मिलता रहेगा, क्योंकि गौ भक्तों ने 151 रुपये गौ माता के नाम से दिए है तो पौष्टिक प्रसादी लगभग 10-15 दिन प्रसादी बनेंगी। आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गौ भक्तों को और बहुत बहुत धन्यवाद निंबावत वैष्णव परिवार जो बेंगलोर से केवल लाइव के माध्यम से गौ सेवा में दूसरी बार भाग लिया। धन्य आपके माता पिता को और गौ माता के लिए प्रसादी बन रही है, जो तिल की प्रसादी बन रही है बहुत पौष्टिक और यह शाम को गौ माता को खिलाई जाएगी। ये आप देख सकते हो सभी गौ माता को शाम को प्रसादी दी जाएगी चारे में मिश्रण करके और मकर संक्रांति के महापर्व पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।